यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से डॉक्टर निसार अहमद राणा ऑडिटोरियम में कश्मीर यकजहती सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने वीडियो मैसेज के जरिए खिताब करते हुए कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक ने कहा है, कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा और इस ज़िम्न में समाजी वेबसाइट्स बेहतरीन जरिया हैं। उन्होंने कहा कि जदीद दौर में सोशल मीडिया दुनिया तक हकायक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है और ये हर तालिबे इल्म की दस्तरस में भी है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बैनुल मजाहब हमाहंगी शरीला रुथ ने कहा कि कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी जारी है और हमें कश्मीरियों की आज़ादी के लिए मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए नौजवानों को मुतहरक अंदाज से अपना किरदार अदा करना होगा और हर शोबे में तरक्की की मनाजिल तय करने से ही भारत जैसे दुश्मन पर सबकत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों से शुरू होने वाले कश्मीर का मसला आज के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और अब नौजवान नस्ल को कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर सीनियर एंकर हबीब अकरम ने भी खिताब किया। तकरीब में तालिबात ने कश्मीरी नगमा पेश किया जबकि इस मौके पर कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के हवाले से खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अफीफ अशरफ सिद्दीकी, रेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, वाइस प्रिंसिपल R&D प्रोफेसर रियाजुल हक समेत असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की।